आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम जो दिखाने वाले हैं, स्टिंग मास्टर का स्टिंग हो गया है। अरविंद केजरीवाल जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने खड़े होकर कहा था कि देखो जी, अगर कोई भ्रष्टाचार करे तो आप जरूर उसका स्टिंग कर लेना, आप उसकी रिकॉर्डिंग कर लेना और हमें रिकॉर्डिंग भेज देना, तो हम जो है सच दिखा देंगे। तो आज वही हुआ है, एक स्टिंग हो गया है जो अब पब्लिक डोमेन में है, स्टिंग मास्टर का स्टिंग हो गया है। और इस स्टिंग में जो कंटेंट हैं, जो आप अभी देखेंगे, इससे एक बात स्पष्ट होती है कि जो लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की कसम खाकर आए थे, वो आज दरअसल कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी के रूप में सामने आई है। ये आम आदमी पार्टी कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी, और दिल्ली के जो नेताओं ने कहा था कि ये बेउड़ी सरकार है, आज कहीं ना कहीं वो साबित हो रहा है। बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में आज इस स्टिंग में आप देखेंगे कि अरविंद केजरीवाल और उनके सिपह सलार मनीष सिसोदिया ने किस प्रकार से मोटा माल कमाया है, अपने मित्रों से कैसे पैसे कमाए हैं, कैसे दलाली ली है। कमीशन को हिंदी में दलाली कहते हैं, और यही बात आज इस स्टिंग ऑपरेशन में सामने आएगा कि किस प्रकार लोग दलाली देने के लिए अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जी के पास जाते थे और एक मोटी दलाली कमा करके दिल्ली के एक्साइज पॉलिसी को लाया गया, दिल्ली को नुकसान में ढकेला गया और अपने को प्रॉफिट में रखा गया। और ये सारा का सारा स्टिंग, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ, उस व्यक्ति के मुंह से सुनेंगे जो व्यक्ति खुद मनीष सिसोदिया जी के हाथों में पैसा पकड़ाता था। मोटा माल जो मनीष सिसोदिया को दलाली और कमीशन के रूप में देता था, आप खुद उस व्यक्ति के मुंह से सुनेंगे। आपने देखा होगा जो आरोपी लिस्ट है सीबीआई की, उसमें 13 नंबर आरोपी जो है उसका नाम है सनी मारवा। तो सनी मारवा के पिताजी हैं जिनका नाम है कुलविंदर मारवा, ये सब एक साथ काम करते हैं, एक ही कंपनी में डायरेक्टर इत्यादि है, बेटे पिता सब। तो ये कुलविंदर मारवा का एक स्टिंग ऑपरेशन सामने आया है जिसमें वो पूरा मोडस ऑपरेंडाई किस प्रकार से कमीशन खाया जाता था और केजरीवाल सरकार की नीति कैसी थी, इसका पर्दाफाश करते हैं। अरे यार क्या साउंड, जो भी चल रहा है क्या कर सकते हैं। हो गया